किसी किसी जानवर को रस्सी से बांधो, किसी को जंजीर से बांधो, जैसी उसकी ताकत वैसे उसको बांधा जाता है। इस जीवात्मा को परमात्मा से बांधना है, जोड़ना है। भले ही प्रयास करे माया से प्रभावित होकर के माया की दिशा में भोग की ओर जाने का, लेकिन धीरे धीरे शांत हो जाए, जा नहीं पाएंगे, जा तो नहीं पाएंगे, लेकिन नाम जप की शक्ति उसको बिना उसको भोगे उसका परिणाम बता देती है। भजन की ये शक्ति है। अब कुछ लोगों का ये भ्रम है कि जिसमें मन फंसा है उसको भोग ले, यही एक उपाय है। और जब तक उस वस्तु को, उस पदार्थ को नहीं भोग लेते, तब तक तो मन उससे निवृत्त हो गए कैसे? जब मिठाई कैसी है पता ही नहीं है, तो जब तक मिठाई को नहीं खा लेंगे तब तक हम कैसे उससे निवृत्त हो गए? अध्यात्म जगत कहता है कि हो सकता है, गुरु परंपरा का अनुभव है कि हो सकता है। जरूरी नहीं कि भोग के बाद ही निवृत्त हो सके। हम हाँ, एक सरल रास्ता वो है शास्त्रों में, इसको उस रास्ते को कहा पिपीलिका, मतलब चींटी वाला रास्ता। चींटी धीरे 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 पेड़ पर चढ़ती है, थक गई तो कहीं एक मिनट दो मिनट ठहर भी जाएगी, फिर चढ़ेगी चढ़ेगी चढ़ेगी, तो पेड़ पेड़ की वो आखिरी डाली के आखिरी ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, कोई खतरा नहीं, धीरे धीरे चढ़ेगी। एक मार्ग है, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम, और उसके बाद संन्यास आश्रम। हाँ बिल्कुल, ये मार्ग है। लेकिन नाम जप करने वाले जापक को सत्संग की सहायता मिल जाए और गुरु के वचन की औषधियां मिल जाए, गुरु की दो बात दवाई के रूप में, रसायन के रूप में प्राप्त हो जाए, तो वो जहाँ हैं वहीं से उसमें वैराग्नि जाग जाता है, और जहाँ से वैराग जाग जाए वहाँ से सन्यास का अधिकार हो जाता है। सन्यास का अधिकार वैराग से। अब पुराणों को देखो, दशांश मनुष्य सृष्टि के निर्माण में भी, दशांश मनुष्य जीवन मुक्त है, जन्म से ही संसार बंधन से दूर है, जन्म से ही। मतलब जगत में 10 व्यक्ति से एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सारे बंधनों से मुक्त रह करके अपना जीवन धर्म के लिए, प्रभु के लिए ब्रह्माकार बने। और अध्यात्म जगत कहता है कि यह संभव है। संभव इस प्रकार है, नाम से आरंभ करके अपने आप को जो इष्ट से बांधे, परम से बांधे, बचपन की साधुता, जिन जिन महापुरुषों के देखो उन सब में भजन खूब होता है। और कहा गया है कि बालापन से हरि भजे, बचपन से अगर भजन में मन रम गया, कीर्तन में मन रम गया, हरि नाम में मन रम गया, ऐसे महापुरुषों की, ऐसे संतों की तीर्थ भी राह देखता है। ऐसा कोई भजनानंदी जब मंदिर में जाता है तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, मूर्ति का तेज बढ़ जाता है, देवस्थान का प्रभाव कई गुना हो जाता है उनके मंदिर में जाने से, देवस्थान का तेज बढ़ जाता है, देवत्व नाच उठता है,
बालापन से हरी बजे, जग से रहे उदास। तो बिना ये नाम की शक्ति है, नाम स्वयं शक्ति है। जीवात्मा को परमात्मा से बांधने का उपाय, उसको जबान से ही बांधा जाए सबसे पहले, और रस्सी है राम का नाम। सबसे पहले इसी को समझाना पड़ेगा। जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव। जबान को कहा गया कि हे जबान, इससे बात हुई, एक बार जो मैं कहूं तू कर, और उसके बाद तुम जो मांगो हम देंगे। तुम कहो मीठा तो हम दे देंगे, तुम कहो तीखा तो हम देंगे, तुम कहो जैसा स्वाद तुझे चाहिए हम कभी मना नहीं करेंगे, जो मांगो हम देंगे। और अभी तक बहुत सारे रस तुमको हमने दिए भी है, ऐसा नहीं कि हमने तुझे मीठा नहीं दिया, तीखा नहीं दिया, हमने दिया ही है, और भी आगे इससे कई गुना हम दे देंगे तुमको। लेकिन इसके पहले तुम इतना कर लो, पहले हम जो दे उसका रस लो, तो इसको पियो तुम। जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव, गोविंद दामो शर्माद देते। पिबस्वा का शुभारंभ प्रभु के नाम से होना चाहिए। शब्दानंद अनुभवानंद में ले जाता है, और अनुभवानंद ब्रह्मानंद में ले जाता है। और जब हम ब्रह्मानंद की ओर जाएंगे, उस दिन ये बात समझ में आएंगी, श्री राम नाम अमृतम, प्रभु का नाम अमृत है। इसी ने हमको अविनाशी पद प्रदान किया, नाम से यात्रा शुरू हुई, आगे चलकर हम अभय पद को प्राप्त हो गए, हम निर्भयता को प्राप्त हो गए, हम अमरता को प्राप्त हो गए। हम ब्रह्मानंद तक गए तो हम अमृत तक पहुंच गए। तो वहां तक ले जाने वाला, उस परमामृत तक ले जाने वाला अमृत कौन है? पहली बूंद राम का नाम है। आरंभ में जापक को ऐसा लगता नहीं है कि भगवान का नाम अमृत है, लेकिन लगने से, जपने से, चखने से, इसका आस्वाद लेने से, लेते लेते शब्दानंद ले जाता है अनुभव में, अनुभव ले जाता है परम में। और तब ये भी अमृत है
जिसने हमको परमरामृत दिलाया, ये बात भी स्पष्ट होती है।